जी वेलकम टू मेरे चैनल LHEA। जैसा कि आप जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुकी है, करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के सैंपल पेपर इंट्री टेस्ट का। तो बेसिकली इंट्री टेस्ट का जो सैंपल पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने अपना एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है 2023 से 2024, जिसकी लास्ट डेट है 9 जून 2023, और जिसमें आपको जो टेस्ट होगा वो 25 जून 2023 को होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि इसमें सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो जो वेटिंग लिस्ट में है, वो जो लास्ट ईयर जिन्होंने अपनी FSC कंप्लीट कर ली थी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं देगी इन्होंने। तो दूसरी बड़ी बात कि इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना ये टेस्ट कंडक्ट करेगी, इसके बेस पर आपका मैट बनेगा, इसके बेस पर आपका एडमिशन होगा, और इसमें आपका UAS का जो टेस्ट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा। इसमें ये प्रोसीजर इन्होंने स्टार्ट किया है कि 25% जो टेस्ट में से आपका यानी मार्क्स आएंगे उसमें से 25% आपके मैट में इंक्लूड किया जाएगा, और ये मैट देन इसके बाद आपका मैट बनेगा। यानी कि आपको टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर आपका एडमिशन टेस्ट होगा। अगर किसी यानी कि स्टूडेंट के 1000 से प्लस मार्क्स हैं और 1085 है, 1089 है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी ना दिखाएं या टेस्ट अच्छा ना दें या किसी वजह से टेस्ट ना दें जिसमें अपीयर वगैरह ना हो, तो इसी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। क्योंकि इन्होंने 25% इस बार कंपल्सरी बोला है कि तो आपको टेस्ट देना ही देना होगा। दूसरी बड़ी बात इसमें ये प्रोग्राम कौन कौन से हैं, देन हम इसके सैंपल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस है, एंड ICS विद फिजिकल कम्बिनेशन, ICS विद स्टैटिक कम्बिनेशन, जनरल साइंस है, कॉमर्स है। तो ये सारे वो ये प्रोग्राम है जिनमें ये अपना BS बनने का प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेटेज ऑफ एडमिशन टेस्ट 25% ऑफ द टोटल मैट कैलकुलेशन। दूसरी बार एडमिशन टेस्ट जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन, आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दूसरी बार इसकी फीस टोटल 1500 है और ये रिफंडेबल नहीं है अगर आपका टेस्ट क्लियर होता है कि नहीं होता, ये यूनिवर्सिटी इसके जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि मैं फिर से बता रही हूँ कि 9 जून 2023 इसकी लास्ट स्टेट और आपका टेस्ट होगा 25 जून 2023 को। तो चले चलते हैं अपने सैंपल टेस्ट पेपर की तरफ, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और इसमें क्या प्रोसीजर होगा और कितने परसेंट वाला स्टूडेंट पास होगा। क्योंकि टाइम वेस्ट किए हम चले चलते हैं टेस्ट सैंपल के पेपर की तरफ। तो उससे सैंपल पेपर में आप खुद देखेंगे कि आपको किस लिहाज से तैयारी करनी है और किस तरह तैयारी करनी है। पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का टेस्ट पेपर सैंपल ओपन कर चुके हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट फॉर द अंडर ग्रेजुएटेड प्रोग्राम, जिसमें गाइडलाइन दी गई है। इसमें कुछ गाइडलाइन के बारे में आपको बताया गया है कि आपको जो रोल नंबर स्लिप है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात आपको ये बताई गई है कि इसमें सेक्शन में यानी कि मार्क्स बनाए गए हैं। पहले सेक्शन में वर्बल रीजनिंग होगा, दूसरे में क्वान्टिटेटिव रीजनिंग होगा जो कि 20% का होगा, देन सब्जेक्ट 1 होगा, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, और ये भी 20% का। अब सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 है, ये भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट विल बी फॉलोइंग कैटेगरी में, जिसमें प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कंप्यूटर साइंस है, जितने भी स्टैटिक्स के हैं, जनरल साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस है। सब्जेक्ट 1, 2 और 3 से मकसद ये है इनका कि फिजिक्स का सब्जेक्ट 1 हो गया, जैसे कि आप बायो का स्टूडेंट हैं तो आपकी फिजिक्स की एक सब्जेक्ट हो गया, केमिस्ट्री का एक सब्जेक्ट हो गया, और थर्ड सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स हो गया, और अगर आप बायो का स्टूडेंट तो आपका बायोलॉजी का होगा थर्ड सब्जेक्ट। तो इसी तरह प्री मेडिकल का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी का है, देन कंप्यूटर साइंस का फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, देन कंप्यूटर स्टैटिक्स का है तो कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस का, स्टैटिक्स का, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स का, एंड कॉमर्स का अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स है, एंड आर्ट ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस एंड इस्लामिक एथिक्स एंड कंप्यूटर और पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज वगैरह। तो ये वो यानी कि टेस्ट की कैटेगरीज होगी। देन हम डायरेक्ट हम सैम्पल पेपर की तरफ देख लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो भी देख लेते हैं कि इसमें तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, वो जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, और दूसरा वो जो लास्ट ईयर FSC कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि ये क्वेश्चन पेपर भी कौन से, यानी कि 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 120 यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे, और टेस्ट भी कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होगा, यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। दूसरा ये ईच क्वेश्चन विल भी कौन सी सा 4 ऑप्शन, जिसमें ABCD दिया जाएगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना होगा यानी कि मार्क करना होगा। दूसरा
सा है टेस्ट कैटेगरी में जो पेपर कोड है वो नंबर है वो बबल की फॉर्म में फिल करना होगा। ये जिस तरह आप बोर्ड में कर चुके हैं, क्योंकि आप हाल ही में अभी बोर्ड के पेपर देंगे देन आप इसमें क्या अपीयर होंगे, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। दूसरी है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो कि तुक्का भी लगाते हैं लेकिन जो मार्क्स यानी कि जो क्वेश्चन ठीक होते हैं उनमें से भी मार्क्स कट दिए जाते हैं, तो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दूसरा है कैलकुलेटर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने होंगे, अगर आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने होंगे तो आपको ये रफ पेज दे दिया जाएगा, उस पर आप करेंगे। नेक्स्ट है रफ वर्क विल बी डन क्वेश्चन पेपर बट नॉट ऑन द आंसर, यानी कि आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस पर आप रफ कर सकते हैं लेकिन आंसर शीट पर नहीं कर सकते। दूसरा है करेक्ट आंसर विल बी फीड ऑन आंसर बबल शीट, जो करेक्ट आंसर होगा वो बबल शीट पर फिल करना होगा। एंड यूज़ द ब्लैक पॉइंटर आपको चाहिए होगा, कौन सा ब्लैक पॉइंटर एंड आंसर के लिए ब्लू शीट के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जाएगा, जिस तरह मैं अभी बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जो ब्लैक और ब्लू पॉइंटर बस चाहिए और कोई पॉइंटर वगैरह नहीं चाहिए। नेक्स्ट है डबल मल्टीपल अटेम्प्ट, यानी कि दो बार आपको मल्टीपल चॉइस आ गई, यानी कि एक आपको लगे ए है तो आप बी लगा दें और बी भी लगा दें सी भी लगा दें, तो इस तरह आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। एंड रिटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर लॉन्ग विद आंसर बबल शीट टू द इन्वेजिलेटर स्टाफ एंड द सेंटर ऑफ द मेजोरिटी, बेसिकली आपको जो भी बबल शीट आपने फिल की होगी और साथ ही आपको रिटर्न करना होगा क्वेश्चन पेपर के। तो ये थी कुछ इसमें हदायत दी गई थी, देन आपको देख सकते हैं कि ये बबल शीट किस तरह की होगी, और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सेम एज इट बबल शीट होती है पंजाब यूनिवर्सिटी की जो कि आपने फिल करनी होगी। और सब्जेक्ट 1, 2 और 3 आपको पता चल चुका है कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो उसमें केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी होगी, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो उसमें मैथ होगा फिजिक्स होगा केमिस्ट्री होगा। दूसरी बड़ी बात है इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह स्टूडेंट का नेम है अब्दुल्ला है और आपको CNSC नंबर आपको लिखना है, अगर आपका यानी कि ID कार्ड नंबर नहीं है तो आप बेफार्म का नंबर भी लिख सकते हैं। दूसरा है सिटी का नेम लिखना है कि आप किस सिटी से आए हैं, तो ये सारी कंडीशन कैटेगरी आपको पता चल जाएगी जब आप पेपर में बैठेंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि आपको जो भी जिनके बबल्स मिलेंगे उन्हें अच्छे से फिल करना है, ये नहीं कि आपको एक पॉइंट लगा के छोड़ देना है, जिस तरह आप बोर्ड में कर चुके हैं यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 में सेम एज ए वैसे करना है। चले चलते हैं सीधे अब टेस्ट पेपर की तरफ। तो 1 स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम सैम्पल पेपर ओपन कर चुके हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आपको स्टेटमेंट दी गई है वेयर वाज द पैकेज लिंक, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको मार्क करना होगा और बबल पे फिल करना होगा। देन दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं MCQs हाउ वाज द पुश बटन यूनिट कवर, थर्ड MCQs है वेयर वाज द फ्लड पीस ऑफ पेपर स्टॉच, एंड नेक्स्ट है नॉर्मल प्राइस द स्माइल है रिप्रेस्ड, एंड 5 वाला क्वेश्चन है वेयर वाज द की द बेल यूनिट डोम। तो बेसिकली इस तरह ये फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे जिसमें आपको 12 के 12 टेंसेज आने चाहिए, idioms वगैरह होने चाहिए, आपको synonym वगैरह पढ़ेंगे, देन आप जितनी भी वोकैबुलरी होगी वो आप अच्छे से रीड कर लें, किसी भी बुक से कर सकते हैं 9 से 10 से, लेकिन आप अभी FSC करके आए हैं तो ज़ाहिर आपको इन सारी चीज़ों में अच्छी से कमांड होगी। तो देन हम इंग्लिश के बाद दूसरा सब्जेक्ट को देख लेते हैं। हिस्ट्री के सैंपल पेपर की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि द साइज ऑफ एन एटम इन द रेंज ऑफ, यानी कि जो साइज आइटम का उसकी रेंज क्या है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको मार्क करना होगा, देन बबल शीट पर कवर करना होगा। देन दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम इन 1.79 ग्राम ऑफ गोल्डन एंड हाउ मच सोडियम आर इक्वल, ने थर्ड वाला MCQs है विच इज़ नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन, एंड फोर्थ वाला MCQs है हीमोग्लोबिन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड कौन सी इज अप्रॉक्सीमेटली एटम, एंड फिफ्थ वाला MCQs आइसोटोप डिफरेंट इन। तो बेसिकली ये वो केमिस्ट्री के इस तरह के MCQs आपको होंगे सेम एज इट, यही नहीं आ जाएंगे, आपको सिर्फ सैंपल पेपर बताने का मकसद ये है कि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा किस तरह होगा। देन स्टूडेंट केमिस्ट्री और इंग्लिश के बाद हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें क्वेश्चन किस तरह टाइप के होंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रियल पार्ट ऑफ, जो दिया गया आपको स्टेटमेंट तो सेम है, इसमें कोई ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपको राइट करना है बबल की फॉर्म में जो आपको आंसर शीट दी होगी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन इन्वेरिएंट क्या है 0 एंड 1 में, देन है जो कॉस्ट थीटा है, तो ये स्टेटमेंट दी गई है आप पढ़ सकते हैं अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, एंड इफ़ जी इज़ 1/1 देन एग्रीगेट एंड जी नॉट, ये द मल्टीप्लिकेशन इन्वेरिएंट ऑफ 1 - 1 एंड और किसके रूट। तो इस तरह के ये कुछ आपको स्टेटमेंट सेम यही नहीं आ जाएगी, आपको सेम इस तरह के क्वेश्चन बताने का मकसद यही है आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। देन हम जी इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बाद हम जनरल नॉलेज के बारे में बात करें, जनरल नॉलेज हिस्ट्री के बारे में, तो बेसिकली ये अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो सभी में आपको जनरल नॉलेज के 5 MCQs पूछे जाएंगे और वो किस तरह के होंगे चले देखते हैं इसका सैम्पल पेपर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो वाज़ द सेकंड गवर्नर
एमसीक्यू जनरल ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा जो एमसीक्यू थी किस टाइप का होगा कि इन विच इस्लामिक मंथ ऑफ पाकिस्तान कम केम इन टू बिगनिंग एंड हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लाम। तो बेसिकली ये इस तरह के इस टाइप के यानी कि क्वेश्चन होंगे जिनको आपको इनमें से एक जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बबल की फॉर्म में राइट करना होगा। दैन पे देख रहे हैं कि हम कंप्यूटर का पेपर ओपन कर चुके हैं टेस्ट सैम्पल पेपर। तो इस टेस्ट सैम्पल पेपर में आपको किस तरह के एमसीक्यूज होंगे अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली आपसे एमसीक्यूज इस तरह के पूछे जाएंगे कि हार्डवेयर इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब एज विच कंप्यूटर यूनिट इज एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर एंड मोस्ट कॉमनली यूज अ कीबोर्ड फॉर्मेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू चेंज द केस। तो बेसिकली इस तरह नहीं कि इस टाइप के एमसीक्यूज होंगे जो कि आपको पूछे जाएंगे और इसी लिहाज से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। देन हम इसके ऊपर से आप देख रहे हैं कि आज का हमारा लास्ट को सैम्पल पेपर है पाक स्टडीज़ का, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन है डैट इज़ द हुकूमत मीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इज बेस्ड ऑन। थर्ड एमसीक्यूज है द ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर मीट विद अ लॉर्ड एंड माउंटेन एंड द मेडोरिज्म इज रेफरेंस टू एंड कोएग्जिस्टेंस मीन्स। तो बेसिकली इस टाइप के आपको एमसीक्यूज होंगे, यही मैं फिर से बता रही हूँ कि यही एमसीक्यूज नहीं आ जाएंगे। आपको सैम्पल पेपर बताने का मकसद यही है कि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि किस टाइप के एमसीक्यूज होंगे। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर, तो जिसमें आपने कंप्लीट देखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के टेस्ट सैम्पल पेपर किस तरह का होगा। और दूसरा मैंने आपको जितने भी अगर आपके आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, मैथ के हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन पेपर किस टाइप के होंगे, ये सारी डिटेल मैंने बता दी है। लेकिन अदरवाइज आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है या अगर आपको ये सारे पेपर आपको PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।